Welcome to Histron Science Academy. In today's tutorial, we'll be talking about reflection of light. आज के ट्यूटोरियल में बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें तो विल कम अक्रॉस अ डेफिनेशन समथिंग लाइक के व्हेनेवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इट इज रिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन. नाउ दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बात यह है कि जब भी कोई लाइट का बीम या लाइट का रे, सो वेन एवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, जब भी लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पड़ता है, बट दैट सरफेस हैज़ टू बी अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसको मैं नेम करता हूँ, लेट मी नेम इट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो कंसिडर कीजिए कि ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इट कैन बी एनी थिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप इसको मिरर का सरफेस कंसिडर कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल स्टेनलेस स्टील जो होता है हमारा, तो आप इसको स्टेनलेस स्टील का शीट कंसिडर करके चलते हैं, तो इवन दैट इज़ बेटर, वो भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. तो कंसिडर कीजिए कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और दिस इज़ द रे ऑफ लाइट. ये लाइट है जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर में पड़ रहा है. तो बात यह है दैट व्हेनेवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इट इज़ डिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन. सो जब ये लाइट इस सरफेस पे पड़ने के बाद किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किसी और डायरेक्शन में प्रोपगेट हो जाएगा, तब मैं कहूँगा दैट दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तब मैं कहूँगा कि देर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि जब लाइट किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे पड़ता है और वो सरफेस लाइट को किसी दूसरे डायरेक्शन में प्रोपगेट कर देता है, देन हम इसको कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है. इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपने देखा है या बचपन में खेला भी होगा, या बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है. आप देखिए कि घड़ी पर जब रोशनी पड़ती है, और आप देखिएगा कि फिर उसी घड़ी का जो है आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसकी एग्जैक्टली छवि आपको दीवार पे देखने को मिलती है. और जब आप अपने रिस्ट को मूव करते हैं, आप एंगल चेंज करते हैं, तो देखिएगा कि वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो दीवार पे आपको छवि देखने को मिलती है, वो भी एग्जैक्टली मूव होती रहती है. तो एक बार फिर से वापस से इस टॉपिक पर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने ये कहा कि जब रे ऑफ लाइट, जब भी लाइट एक पर्टिकुलर सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो वो सरफेस उसको किसी दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है, दूसरे डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर देता है, और इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो ये फेनोमेना हमेशा ओबे करता है. बट बिफोर डाइविंग इन टू दैट दोज लॉज, कुछ टर्म्स को, कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पर समझ लेते हैं, सो दैट के फेनोमेना समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान सा हो जाए. तो यहाँ देखिए, ये जो रे है, बीम ऑफ लाइट है, जब इस सरफेस पे पड़ता है, तो जब लाइट पड़ता है, मैं इसको कहता हूँ कि ये इंसिडेंट रे है. फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज़ द इंसिडेंट रे. तो ये रे ऑफ लाइट जो है, जो कि सरफेस पे पड़ रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये इंसिडेंट रे है. और जब यही लाइट डिफ्लेक्ट होके किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, तब मैं इसको रेफ़र करता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि ये रिफ्लेक्टेड रे है. एक बार फिर से बताता हूँ कि जब ये लाइट सरफेस पे पड़ रही है, जब ये लाइट सरफेस की तरफ जा रही है, तब मैं इसे कहता हूँ कि ये इंसिडेंट रे है. और जब यही लाइट सरफेस से टकरा कर दूसरे डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, तब मैं कहता हूँ कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है. तो इन दिस केस, दिस इज़ गोइंग टू बी द रिफ्लेक्टेड रे. तो ये इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है. अब यहाँ पर समझिए, द पॉइंट ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं अभी यहाँ पर एक छोटा सा डॉट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप फोकस करें तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मैं उसको कहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एग्जैक्टली लाइट सरफेस पे आ रही है. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं एक
लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ. आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सर्फेस. सो दिस लाइन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, दिस लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल. ये जो लाइन है जो मैंने सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ की है और परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, इस लाइन को मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल है. नॉर्मल ड्रॉ करने के पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बस थोड़ी देर में बताता हूँ. बट समझ लीजिए इसको कि जिस डायरेक्शन में लाइट आता है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं. जब वही लाइट सरफेस से टकरा कर दूसरे डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो जाता है हम उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल रेफर करते हैं. अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर सबसे पहला लॉ जो मैं बोलता हूँ वो ये होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिस एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. लाइट किस एंगल से डिफ्लेक्ट होकर जाएगा ये डिपेंड करता है कि लाइट कौन से एंगल में आ रहा है. अब मैं बात करता हूँ कि वो नॉर्मल मैंने किस लिए ड्रॉ किया था. आप यहाँ पर देखिए, ये आप देखते हैं कि ये जब लाइट ऑफ इंसिडेंस जो मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एक एंगल बनता है. नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इट इज़ रेफर्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड एग्जैक्टली आप देखिए कि जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जाता है तब सेम नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक और एंगल बनता है जिसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ. एंड दिस इज नाउ रेफर्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यही बताता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी रहने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लाइट किस एंगल से जाएगा ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, यानी कौन से एंगल से सरफेस के ऊपर में लाइट पड़ रहा है. तो लाइट जिस एंगल से सरफेस पर पड़ेगा उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर, डेविएट होकर या डिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा. यहाँ एक बात याद रखिएगा कि लेट इट बी एंगल ऑफ इंसिडेंस और लेट इट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दीजिए या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहने दीजिए, हम कोई भी एंगल सरफेस से कैलकुलेट नहीं करते हैं. हम दोनों भी एंगल्स जो है वो नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं. इसीलिए हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी लाइट कौन से एंगल से सरफेस पे पड़ रहा है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में डेविएट होता है, डिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल कंसिडर करके चलते हैं कि यहाँ पर इस एग्जांपल में लाइट जो सरफेस पे पड़ रहा है ये एंगल 40 डिग्रीज का है. कंसिडर कीजिए कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का ये जो एंगल है ये 40 डिग्रीज है. तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट होके जब सरफेस से जाएगा तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी 40 डिग्रीज ही रहने वाला है. यानी जिस एंगल से लाइट आएगा उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाता है. अगर लाइट 40 डिग्री से किसी सरफेस पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर जब लाइट जाएगा तो वो भी 40 डिग्रीज से ही जाएगा. एक बार फिर बताता हूँ कि एंगल्स हम कभी भी सरफेस से कैलकुलेट नहीं करते हैं. वी ऑलवेज कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल. सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और इस केस में जो फर्स्ट लॉ है वो मैंने आपको ये बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की. अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की. ये भी एक बहुत सिंपल सा लॉ है. एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है दैट इंसिडेंट रे
incident ray and the reflected ray. Incident ray and the reflected ray. Reflected ray. Incident ray and reflected ray. Reflected ray. Both are going to be on opposite sides of. On opposite sides of normal. Incident ray और reflected ray normal के opposite side में रहता है. एक बार फिर से इस diagram को हम देखते हैं, तो यहाँ पर आप focus कीजिएगा, let's focus at this point. ये incident ray है और ये reflected ray है. Next law है वो ये बताता है कि incident ray और reflected ray both are on the opposite sides of normal. तो यहाँ clearly देख सकते हैं हम कि incident ray जो होता है वो हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में ही रहता है. इसको अगर मैं सिंपल से टर्म्स में बताने की कोशिश करूं तो कंसीडर कीजिए कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर लाइट पड़ रहा है और ये एक इंसिडेंट रे है. तो हम यहाँ पर एक 90 डिग्री यानी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. लेट अस कंसीडर दिस टू बी द नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन दिस सरफेस ऑफ on the reflecting surface at the point of incidence. और ये हम consider करते हैं कि ये incident ray है. तो कहना मुझे ये है कि incident ray जो होगा और इसके साथ में reflected ray जो रहेगा वो हमेशा opposite side में रहेगा. ऐसे कभी नहीं होगा कि light इस तरफ से आ रहा है और इसी तरफ reflect होके इसी तरफ या same direction में reflect होके जा रहा है. So this is never possible. Light हमेशा नॉर्मल की एक साइड से आएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी साइड में जाएगा. सो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ विल बी ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. दिस इज़ द सेकेंड लॉ. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट लॉ, द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. Incident ray, reflected ray and normal, all these three will be on the same plane. ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है. अगर समझा जाए तो कहने का मतलब ये है कि incident ray, normal और reflected ray ये तीनों हमेशा एक सिंगल प्लेन में रहेंगे. प्लेन का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा फिर से कंसिडर कीजिए कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये लाइट आ रहा है. अगर आप देखें तो लाइट स्क्रीन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन से आप देख रहे हैं कि लाइट आ रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में आप देखिए कि ये राइट साइड ऑफ द स्क्रीन की तरफ जाता है और ये अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल है. और तो अगर आप देखें तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों अगर देखें तो ये सब स्क्रीन के प्लेन में है. हाँ, अगर ऐसे हो कि लाइट इस साइड से आए, इस तरफ से आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो डायरेक्शन अपना, वो अपना प्लेन चेंज कर दे, मतलब ये कि आपकी तरफ स्क्रीन से निकल के आपकी तरफ आए या स्क्रीन से निकल के अपोजिट साइड में जाए, तब मैं ये कहूँगा कि लाइट ने अपना प्लेन चेंज किया है. लेकिन रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन तो चेंज होता है, लाइट का डायरेक्शन तो चेंज होता है बट प्लेन चेंज नहीं होता. ये थर्ड रूल है, थर्ड लॉ है रिफ्लेक्शन का, जो ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी ऑन द सेम प्लेन. ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में रहते हैं. लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में अपना डायरेक्शन तो चेंज करता है लेकिन अपना प्लेन चेंज नहीं करता. दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन. इन केस अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो. थैंक यू.